वर्बल और नॉन वर्बल तो हमने कर ली, अब चलते हैं एक और कम्युनिकेशन की तरफ, वो है रिटन कम्युनिकेशन। पिछले दिनों हमारे पास एक ईमेल आई और उस ईमेल का सब्जेक्ट कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क 3 दफ़ा डाला हुआ था। जब मैंने उस लड़के से ये पूछा कि उसने ये सब्जेक्ट ऐसे क्यों लिखा है, तो उसको नहीं पता था कि ये सब्जेक्ट ऐसे क्यों, इस सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को कैप्स में लिखने से, एक्सक्लेमेशन डालने से क्या मतलब होता है इस बात का। उसका ख्याल था कि वो सिर्फ चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा है। कॉर्पोरेट की दुनिया के अंदर, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और तमाम ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर रिटन लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। मैं हमेशा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, वहाँ पे अच्छे ईमेल राइटर्स को मैं हमेशा पॉइंट आउट कर लिया करता था और उनको फॉलो किया करता था। जैसे जब मैं जेन टेलीकॉम में काम कर रहा था रियाद में, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था लेबनीज जॉर्डेनियन, उसका नाम था माइन सवाती, और वो बहुत हसीन इंग्लिश बोला करता था, बहुत हसीन इंग्लिश। वो अभी तक मेरे जानने वालों में से वो वाहिद बंदा है जिसने आइल्स में 8.5 स्कोर किया विदाउट एनी प्रिपरेशन, और वो इस वक्त कनाडा में मौजूद है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग अच्छी ईमेल्स लिखते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, उनको फॉलो करें, उनकी तहजीब सीखें, लिखने की तहजीब सीखें। कुछ चीज़ें जो चीता चीता चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा साथ साथ, ताकि आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो जाए। अगर आप किसी को लिखते हैं हाउ आर यू इंग्लिश के अंदर, या उर्दू में लिखते हैं आप कैसे हैं, और ये सब स्मॉल में है, तो अगर आपने लिखा हाउ आर यू स्मॉल में, तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा हाउ आर यू। अगर आप कैप्स में लिखते हैं हाउ आर यू, तो वो ऐसे पढ़ा जाएगा हाउ आर यू। कैप्स में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको स्क्रीम करना के मुतरादिफ समझा जाता है, या एग्रेसिव समझा जाता है, और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो हाउ आर यू। ठीक है, आप दुनिया में किसी से भी हाउ आर यू इस तरह से नहीं करेंगे। इनफैक्ट कुछ अर्से पहले जब मैं अपनी क्लास में ये सिखा रहा था, तो मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि वो सर, मुझे आज समझ में आया कि वो मेरा एक लॉयर था, मैं उसको मैसेजेस कर रहा था, वो बहुत ऑफेंड कर गया था क्योंकि मैं सब कैपिटल में लिख रहा था। तो ये हकीकत है, जो लोग रिटन कम्युनिकेशन जानते हैं, अगर आप उनको ना जानते हुए भी गलत अल्फाज लिख देंगे, गलत तरीके से ईमेल कर देंगे, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका मतलब सही समझ रहे होते हैं। कैप्स में कभी भी मैसेजेस ना करें, कैप्स में कभी भी पोस्ट ना करें सोशल मीडिया पे, क्योंकि कैप्स से एग्रेशन और मिसबिहेवियर समझ में आता है कि ये बंदा मिसबिहेव कर रहा है। कैप्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स ज़्यादा ना डालें, सवाल क्वेश्चन मार्क्स 2 से 3 दफ़ा ना डालें, एक दफ़ा क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया कि आप उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो जो 3 दफ़ा क्वेश्चन मार्क डालते हैं अपने एग्रेशन को शो करने के लिए, दरअसल वो ये भी बता रहे होते हैं कि उनकी रिटन कम्युनिकेशन इज़ वेरी एग्रेसिव राइट नाउ। तो हमेशा कोशिश करें कि व्हाट्सएप के अंदर, ईमेल के अंदर, जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसमें इसी तरीके से बात करिए। अच्छा, अब अगर आप ऑफिशियल ईमेल्स के से हट के अनऑफिशियल ईमेल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी आ जाएं, तो भी आपके घर वाले, ख़ानदान वाले, रिश्तेदार वो डिज़र्व नहीं करते कि आप उनसे भी कैप्स में बात करें, क्योंकि कैप्स में बात करना एग्रेशन को शो करता है। आप क्यों किसी के ऊपर एग्रेशन दिखाएंगे? तो हमेशा विदाउट कैप्स लिखें, फर्स्ट वर्ड कैप हो जाएगा, बाकी सारे अल्फाज छोटे हो जाएंगे रोमन इंग्लिश के अंदर। उर्दू के अंदर कैप्स का कोई सिलसिला ही नहीं है। मगर अगर आपने उर्दू में भी आप कैसे हैं लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क आगे 2-3 दफ़ा डाल दिया, सवाल 2-3 दफ़ा डाल दिया क्वेश्चन मार्क, तो वो लाइन थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करके अपनी रिटन कम्युनिकेशन बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बना ली और अभी आप बहुत अच्छा बोल नहीं भी पाते, तो यकीन जाने कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे,
जहाँ पर भी आप जाके ईमेल लिखेंगे, मैसेजेस लिखेंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। क्योंकि चाहे आपकी वर्बल स्किल अच्छी हो, नॉन वर्बल स्किल्स अच्छी हो, या रिटन कम्युनिकेशन अच्छी हो, रिटन स्किल्स अच्छी हो, जो भी चीज़ अच्छी होती है लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन अपनी बेहतर बनानी शुरू करें। अब रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जब आपने अपने कैप्स कंट्रोल कर लिए, एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क कंट्रोल कर लिए, तो मैं आप लोगों को एक मशवरा और दूंगा जो एक्चुअल में इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। वो ये है कि कभी भी किसी को मैसेज लिखें तो उसको ग्रामर चेक कर लें, उसकी स्पेलिंग चेक ज़रूर कर लें। मेरी अपनी ज़ाती स्पेलिंग्स की मेरी कमज़ोरी है, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। रिसीव की एक ऐसी स्पेलिंग है जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो स्पेलिंग्स भूलना इज़ ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल। मगर अब इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस दौर में भी अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हुए भी गलतियाँ करेंगे तो ये हमारी कोताही है। मैं हर किसी को एक एप्लीकेशन रिकमेंड करता हूँ, वो है एप्लीकेशन grammarly.com। Grammarly ये आइकन है, चेक कर लें, लैपटॉप में, मोबाइल में, हर जगह है, इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ये हर जगह मौजूद है और मेरी कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में Grammarly अपना किरदार अदा करती है, हमेशा करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मिस्टेक ना निकाल के दे। हर जुमला जो मैं भेजता हूँ उसमें एक से दो ही मिस्टेक निकाल के देती है। तो जब आप Grammarly इंस्टॉल करेंगे तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स, पंचुएशंस, ये सारी मिस्टेक्स निकल जाएंगी और निखार पैदा हो जाएगा आपकी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। तो ग्रेजुअली आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव की, फिर वर्बल नॉन वर्बल, साथ साथ आप रिटन कम्युनिकेशन भी अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा आपकी अपनी शख्सियत के ऊपर। जब आप किसी से बनफ से नफीस सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, हाँ मुझे इसकी बात समझ में आ रही है और ये तहमल से बात कर रहा है। हम तहमल पे अगला नगेट करेंगे ताकि उसमें मज़ीद बात कर सकें। जब आप सुनेंगे तो भी उनको लगेगा कि हाँ, ये अच्छा लिसनर है, इसकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी हैं। जब आप लिखेंगे तो उनको लगेगा इसकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है। जब आप इन चारों चीज़ों का मजमुआ बना लेंगे अपने आप को, इन चारों चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे तो आपकी शख्सियत बन जाएगी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। क्योंकि जो इंसान अच्छा सुन सकता है, अच्छा बोल सकता है, अच्छा लिख सकता है और अच्छा ऑब्जर्व कर सकता है, उस इंसान की शख्सियत कैरिस्मेटिक हो जाती है। ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना हर शख्स प्रेफर करता है और पसंद करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ।